Chappelle Cut. कबड्डी कंटिन्यूसली मतलब बिना रुके वो कबड्डी कबड्डी कहते रहते हैं. इफ द ब्रदर टचेस एनी ऑफ द opponents, they are declared out. But if the rider is caught hold of by the opponent and he loses his breath before turning to his half, he is declared out. Declared out the team with the more points win. मतलब वो हाफ का मतलब होता है यहाँ पर कि आधे जो हाफ है, मतलब जो अलग दो टीम्स होती है ना, तो एक टीम का हाफ होगा दूसरी टीम का हाफ होगा. मतलब उनके फील्डर को हाफ कहा गया और इसमें कहा गया ओपोनेंट, मतलब जिसकी टीम में वो इंसान जा रहा है और जो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जा रहा है उसको बोलते हैं राइडर. और जो उसके साथ में खड़े हुए रहते हैं ना, जो सारे जिनके पाले में जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओपोनेंट्स. तो अगर मतलब राइडर क्या होगा, ओपोनेंट्स को टच कर देगा तो वो आउट हो जाएगा. और अगर राइडर को सारे ओपोनेंट्स कैच कर लेंगे और उसकी ब्रीथ मतलब उसके सांस टूटने से पहले अगर वो उसके हाफ में चला गया तो वो सारे ओपोनेंट को आउट कर देगा. और अगर उसकी ब्रीथ टूटने से पहले वो नहीं गया तो जो राइडर है वो आउट हो जाएगा. समझ में आया? और इस तरह से टीम को जीतने के लिए पॉइंट मिल जाएंगे. ये लिखा है द टीम विद द मोर पॉइंट्स विन, और जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेता है वो टीम जीत जाती है. खो खो, टू टीम्स विद 12 प्लेयर्स इच प्ले खो खो. दे ट्राई नॉट टू बी टच्ड बाय द ओपोनेंट टीम मेंबर्स. वन टीम सिट्स इन अ रो विद alternative facing opposite direction. The aim of the team sitting is to chase and touch the two or three members of the other team who are sent in the court. The game has certain rules to be followed. The team that takes least minute in touching all the members of the other team is declared the winner. मतलब इसमें 12 टीम मेंबर्स होते हैं जो अल्टरनेटिव फेस करके बैठे हुए होते हैं, जिसमें से उन्हें दूसरी टीम के कितने लोगों को टच करना होता है, आउट करना होता है, दो से तीन लोगों को वो एक बार में, मतलब ये लिखा हुआ है ना कि टच करते हैं, ठीक है, किसके फिर वो, और ऑफ द अदर टीम हु आर सेट इन द कोर्ट. वो कहां पे थे, कोर्ट में आते हैं, ठीक है, जो उनकी फील्ड है उसको कोर्ट कहा जाता है, किसकी, कबड्डी की, ठीक है. इसमें रूल्स फॉलो किए जाते हैं. और क्या लिखा है इसमें, द टीम दैट टेक्स लीस्ट टाइमिंग इन टचिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द अदर टीम इज डिक्लेयर द विनर. और जो टीम सबसे कम टाइम लेती है दूसरे टीम के मेंबर को आउट करने में, वो टीम जीत जाती है. रेसलिंग, रेसलिंग इज एन एनिशियंट स्पोर्ट्स इन इंडिया. इट वॉज प्लेड इवन एट द टाइम्स ऑफ रामायण एंड महाभारत. लेटर इट वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द मुगल्स. इट इज प्लेड बिटवीन रेसलर्स पहलवान्स इन अ अखाड़ा अ क्ले फील्ड ग्राउंड. द टू रेसलर्स ट्राई टू थ्रो ईच अदर डाउन विद द बैक टचिंग एंड ग्राउंड. The young wrestlers under the guidance of their ustad, guru, follow a strict diet and practice for a long hours. मतलब जो ये रेसलिंग जो गेम है, ठीक है, ये कब से चलता आ रहा है, पुराने काल से चलता आ रहा है, कब के रामायण और महाभारत के काल से चलता आ रहा है. तो इसमें क्या होता है कि जो रेसलर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पहलवान कहा जाता है. ये जहां लड़ते हैं वो क्या होते हैं, क्ले फील्ड ग्राउंड होता है, मतलब मिट्टी का ग्राउंड होता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है. और इसमें क्या होता है, बैक से मतलब अपनी इसे ऊपर से तीर से इसे लेकर आकर दूसरे रेसलर को गिराना होता है. और जो यंग रेसलर होते हैं वो अपने उस्ताद मतलब गुरु के गाइडेंस में ये क्या करते हैं, इसके लिए स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं बहुत घंटों तक, ठीक है. अब मलाखंब ओके. दिस स्पोर्ट रिवॉल्व्स अराउंड अ स्मूथ पोल फिक्स्ड इन द ग्राउंड ऑन विच द प्लेयर्स हैव टू होल्ड देयर बॉडी टाइटली. द परफॉर्मर रेयर्स राइट सेस एंड लोअर्स हिज बॉडी टू स्ट्रेंथन his muscles. It is a traditional sport that originated in Maharashtra. It is worth watching due to the grace, agility,
कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल विद अ सेंस ऑफ टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस। मतलब देखो इसमें क्या लिखा है, ये वर्ड मैंने ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं किया था इसका, स्ट्रेथन। हाँ तो बच्चे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, स्ट्रेंथन। ओके तो इसमें क्या होता है, मसल्स का काम होता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक खंभा लगा दिया जाता है, पोल लगा दिया जाता है, ठीक है, फिक्स्ड किया जाता है ग्राउंड में, जिसमें जो प्लेयर होता है वो अपनी बॉडी पे उसको अपनी बॉडी को टाइटली उस पर रख, मतलब वो देखिए आपको खंभे से ऐसे टाइटली रखता है और उसकी मसल्स को अपने मतलब स्ट्रेट करके, अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके उस पर परफॉर्म करता है। और इसमें जो होता है ऐसा क्या काम होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस गेम में मतलब इसकी एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ग्रेस ऑफ मसल्स और विद सेंस ऑफ द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस देखा जाता है। इन टूडेज हेक्टिक लाइक शेड्यूल्स द यंग एंड ग्रोन अप्स द बिजी ड्यूरिंग द एंटायर डे, इट इज ओनली इन द इवनिंग दैट दे गेट सम टाइम टू रिलैक्स। टेलीविजन इज अ वेरी पॉपुलर मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट। नाउ डेज ऑल फैमिली मेंबर्स सिट टुगेदर एंड वॉच देयर फेवरेट प्रोग्राम्स। मेनी पीपल रिलैक्स बाय प्लेइंग वीडियो गेम्स, ईटिंग आउट द गोइंग फॉर वेकेशन इज अ वेरी कॉमन मीन्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड गेट सम फैमिली टाइम फॉर सेल्फ टाइम। मतलब पहले क्या होता, पहले अब आज के जमाने में क्या होता है कि इंसान अब अपना रिलैक्सेशन करने के लिए करता है, टीवी देखता है फैमिली के साथ, फैमिली के साथ टाइम बिताता है या हिल स्टेशन पे घूमने जाता है, इस तरह से अपना स्ट्रेस कम करता है और अपनी फैमिली को टाइम देता है। इसके अलावा ये जो गेम्स था मलखम, ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, महाराष्ट्र में। इट इज वर्थ वॉचिंग ड्यू टू द ग्रेस, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स विथ अ सेंस ऑफ टाइम ऑफ द परफॉर्मर्स। मतलब इसमें परफॉर्मर्स होते हैं उन्हें मतलब अपना सेंसेस का मतलब जो होता है विथ द सेंस ऑफ टाइम, मतलब अपने सेंस टाइम को देखना होता है, कोऑर्डिनेशन को, ठीक है, अब और मतलब जो सभी को देखकर अपना जो परफॉर्मेंस है, एजिलिटी को, ग्रेस को, सबको देखकर अपनी मसल्स की ग्रेस, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। एक बार मैं वापस आपको सेंटेंस समझाती हूँ, ग्रेस, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स इन अ सेंस ऑफ टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब अपनी मसल्स की ग्रेस, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन सबको देख कर और सेंस ऑफ टाइम के साथ में वो क्या करते हैं, अब जो वहां के परफॉर्मर्स है वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। ओके अब यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड सारी एक्सरसाइज विद आंसर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा दी जाएगी। ओके थैंक यू।